हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सीओटू प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है विपोरी पैसे और मैं हूं आपका दोस्त संडो रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत जो है इस वर्ष बहुत ही बड़े आर्थिक मंच G20, जो कि आपके 20 देशों का यानी 19 जो देश हैं आपके और 20वां आपका जो यूरोपीय यूनियन है, जिसमें खुद बहुत बड़े और बड़े विकसित देशों का एक समूह है दोस्तों यूरोपीय यूनियन, ये शामिल है। साथ ही साथ यहाँ पर जो G20 की समिट होगी दोस्तों, इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, आपके ब्रिक्स, सार्क, आपके फिर जो बहुत आसियान जैसे बड़े बड़े जो संगठन हैं और बड़े बड़े जो आर्थिक संस्थान हैं, इसके भी CEO और जो हेड हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो G20 की समिट है, ये आपकी शुरुआत से ही होते आ रही है और इसके कई ऐसे प्रोग्राम जो है अलग अलग डिविजन्स के, जैसे टूरिज्म समिट जो हुआ वो आपका जम्मू कश्मीर में हुआ था, और फिर आपकी कल्चर समिट जो हुई थी, जो आपकी सांस्कृतिक समिट हुई थी वो आपकी पटना में हुई थी। इस तरह से अलग अलग समिट जो है भारत के अलग अलग शहरों में यहाँ पर हुआ है। तो इसी संदर्भ में आप फाइनल जो है, जो आपकी जिसको आप बोलते हो कि G20 सुपर समिट, या फिर आपको कह सकते हो कि जो यहाँ पर जो नेशंस के जो हेड हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर भारत आएंगे और ये फाइनल ये जो होने जा रहा है, ये आपका 9 और 10 तारीख को फाइनल ये टॉप लीडर्स की, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, उनकी ये मीटिंग होगी और यही वो स्थान है दोस्तों जहाँ पर ये मीटिंग होने वाली है। और इसको नाम दिया गया है आपका भारत मंडपम। इस जगह का नाम याद रखिएगा, ये आपसे कई बार पूछ दिया जाएगा कि G20 की जो समिट है उसकी आप लोकेशन बताएं, तो ये आपकी भारत मंडपम है। जगह है आपका दोस्तों प्रगति मैदान नई दिल्ली। और इसमें एक डेवलपमेंट ये आई दोस्तों कि हमारी जो भारत मंडपम है, इसके बाहर एक आपका कल्चरल कॉरिडोर बनाया गया है, आपकी सांस्कृतिक गलियारा बनाया गया है, जिसमें 29 अलग अलग देशों के जो उसकी आपकी कह सकते हो कि बिल्कुल एक एकल प्रतिरूप है, जो उनके यहाँ के जो उनके संस्कृति में विशिष्ट स्थान रखने वाले जो मूर्तियां हैं, उनको यहां पर बनाया जाएगा दोस्तों, ताकि पूरे विश्व को ये एहसास हो कि भारत जो है विश्व गुरु है और भारत वन फैमिली वन वर्ल्ड के चीज़ों को फॉलो करता है। और इसीलिए आपका जो G20 का समिट है, उसका जो स्लोगन भी है दोस्तों, वो है आपका वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं दोस्तों। तो इस मोटो के साथ ही हमने G20 को शुरू किया है। इसमें एक डेवलपमेंट ये आई दोस्तों कि इसी संदर्भ में देखो तो भारत ने अपने जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, भारत ने अपनी जो संस्कृति का प्रतिरूप है आपका नटराज, जो कि शिव जी के ही प्रतिरूप माने जाते हैं, तो नटराज की प्रतिमा को यहाँ पर लगाया है। और ये आपके न्यूज़ में भी रहेगी और ये बहुत सिग्निफिकेंट है दोस्तों, बहुत ही मतलब आपको मान सकते हो कि होली स्टैचू है, बहुत ही बड़ी मूर्ति मानी जाती है। क्यों मैं आपको इस सिग्निफिकेंस बता दूं कि भारत तो छोड़िए, चलिए भारत के चोल साम्राज्य की ये कला की ये मूर्ति है तो ठीक है, भारत तो इसको फॉलो करता है, लेकिन आप अगर कभी यूरोप जाने का मौका मिले और यूरोप की जो सबसे बड़ी जो आपकी एजेंसी है, जिसको बोलते हैं सर्न, जहाँ पर आपकी प्रोटॉन और हाइड्रोजन इन तरह के मतलब बड़े बड़े प्रयोग किए जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी जाओगे तो वहाँ पर आपको नटराज की मूर्ति मिलेगी, क्योंकि नटराज की मूर्ति ऐसी मानी जाती है कि ये शिव के तांडव रूप की मूर्ति है दोस्तों, जहाँ पर शिव को डांस फॉर्म में दिखाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको कॉस्मिक रेज जो दिख रही है, जो यहाँ से जो कॉस्मिक चीज़ें आपको निकलती हुई दिख रही है, ये ऐसा माना जाता है कि संसार के निर्माण और विनाश ये दोनों का प्रतीक है, जिसमें संसार के निर्माण और विनाश दोनों के चलता है। थोड़ी सी बात कर ले इस मूर्ति की, तो ये मूर्ति जो है अष्ट धातु की बनी हुई है, 8 धातुओं से मिलकर बनी है दोस्तों, और ये लगभग आपकी मूर्ति जो है टोटल 22 फीट लंबी मूर्ति होगी दोस्तों, और ये 6 फीट जो ऊंची आपकी चबूतरे है तो उस चबूतरे पर रखी जाएगी। इस तरह से इस पूरी मूर्ति की जो हाइट होगी दोस्तों, वो आपका लगभग आपका 28 फीट की होगी। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि ये जो मूर्ति है, ये आपकी पुरानी जो चोल कला के जो या चोल साम्राज्य या कावेरी के आसपास के क्षेत्रों में जो तकनीक अपनाई जाती थी, जिसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जो कि आपके हड़प्पा में भी दिखती थी, जिसमें एक्चुअली क्या होता है कि मिट्टी के साँचे बनाए जाते हैं और उस साँचे के अंदर पहले क्या होता है कि आपकी धातु की पिघले हुए रूप को, धातु को पिघला करके डाला जाता है और फिर उस जो मिट्टी के साँचे हैं इसको बाहर से तोड़ दिया जाता है, इस तरह से फाइनली आपकी मूर्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस टेक्निक का प्रयोग करके यहाँ पर इसको बनाया गया है। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया 28 फीट लंबी ये मूर्ति है, और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस मूर्ति का निर्माण उस
वंश के या उस आप परिवार के लोगों ने किया है, शिल्पकार ने किया है, जो उस समय के यानी चोल काल की जब ये मूर्ति बनाई गई थी, तो जिन्होंने उस समय बनाया था उसी परिवार के जो मूर्तिकार हैं उनके द्वारा ये बनाया गया है। और इस संदर्भ में आपको मैं बता दूं तो अगर उनका नाम मैं बोलूं तो यहाँ पर उनका नाम है आपका देवसेनपति सतपति, ये तमिलनाडु के हैं दोस्तों। और चोल साम्राज्य जो है अगर आप देखोगे तो मोस्टली वो तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में ही आपका बना हुआ था। इस तरह से देखोगे कि ये आपकी लोकेशन है प्रगति मैदान की, और ये यहाँ पर बाहर जो एरिया है यहीं पे नटराजन के साथ साथ आपकी अलग अलग देशों की बनाई गई अलग अलग मूर्तियां भी रखी जाएगी, जो कि 29 अलग अलग देशों की है। यहाँ पर कुछ राष्ट्राध्यक्षों ने ये बोला है कि हम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, भारत आज के टाइम इतना बड़ा हो चुका है दोस्तों कि उन्हें किसी एक देश के ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट उससे भारत की महिमा और बढ़ेगी। फिलहाल नटराज की मूर्ति के बारे में आपको मैंने बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।